आम आदमी पार्टी तो फ्री का पानी, फ्री का बिजली, फ्री का बस, सब दे रहा था। नाम ही मत दो हमारे पास। अच्छा, ये आप वाला तो सब लुखा है। पप्पू है, पप्पू है इनका नाम। विदेश में जाके हिंदुस्तान को ही बदनाम करने का, इनके पास कोई काम ही नहीं है ना, तो वही करेंगे ना। मोदी 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 मोदी। 200 रुपए की टिकट में पिक्चर देखते हैं, केरला स्टोरी। राहुल जी मसाज करने बाहर जाते हैं, महंगाई कहाँ है। 500 रुपए पर पेट्रोल देने को तैयार है योगी और मोदी के लिए। बाकी एनकाउंटर की यदि छूट दे दी होती तो बहुत सारी पार्टी के भी बहुत सारे बड़े बड़े सदस्य हैं जो गायब हो गए होते। कहाँ से? गुजरात से। मोदी जी आपके गुजरात से हैं और बनारस में कि मतलब सांसद हैं आप, बनारस में गई हो? नहीं, कल जाने वाली हूँ। कल जाने वाली। तो आप यूपी में आई हो, यहाँ पर भी बीजेपी शासित राज्य है और वहाँ भी आप वहाँ 25 साल से जीता रही हो, क्या कारण है बीजेपी 25 साल से वहाँ जीत रही है? वही सबका साथ सबका विकास। और अच्छा। ये जब मोदी साहब ये सूत्र लेकर चल रहे हैं तो पूरे देश में ही विकास ही विकास हो रहा है, इसकी वजह से पूरे 25 साल और अगली 25 साल भी हमारा बीजेपी का शासन ही रहेगा। अगले 25 साल पूरा 25 साल कोई मोदी के सिवा नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। आम आदमी पार्टी तो फ्री का पानी, फ्री का बिजली, फ्री का बस, सब दे रहा था। नाम ही मत दो हमारे पास। नहीं नहीं, हमारे पास मत, नाम ही मत दो। लेकिन वो तो कह रहे थे कि मोदी जी तो देश बेच देंगे, कई चीजें। वो तो बोलेंगे, वो तो बोलेंगे, विरोध पार्टी है तो बोलेंगे सब। लेकिन हमारे मोदी है देश में, मोदी जब तक रहेगा तब तक सब मुमकिन रहेगा। और ये सब देख रहे हैं मोदी की, इनके वजह से ही है पूरे देश में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पर आई हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि अगले साल, जैसे इन पर आरोप भी लग रहा है कि अब मोदी लहर खत्म हो गया है और मोदी जी अब घर बैठेंगे? मोदी लहर खत्म कभी होगी भी नहीं। हाँ, ये आप वाला तो सब लुखा है। ये मुफ्त पैसा कहाँ से लाएगा देने के लिए? पैसा लाएंगे कहाँ से? ये पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, सब मुफ्त, पैसा कहाँ से लाएगा? जो पढ़ाई पढ़ने वाला हो, जो चिकित्सा करने वाला हो, उसको पगार तो देना पड़ेगा ना। दवाई का पैसा लाएगा, स्कूल का पैसा कहाँ से लाएगा? पिछली बार जब संसद में 302 सीटें थी ना, अगली बार अब जब इलेक्शन आ रहा है ना, तो इनसे भी ज्यादा सीटें आएगी और पूरी बहुमती से आएगी। मोदी ही आएगा, मोदी के सिवा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारे तो मोदी ही सब कुछ है, हमारे लिए मोदी ही सब कुछ है। राहुल गांधी जी को इतना मतलब आप लोग ना पसंद? पप्पू है इनका नाम। वो पूरे विश्व में हिंदुस्तान को बदनाम करता है, वो राजकारणी है, क्या है उसको पता नहीं है वो कौन है। वो गुजरात को, वो हिंदुस्तान की कांग्रेस का एक लीडर है, उसका बाप दादा का कैंसर था बादशाह, और आज वो क्या कर रहा है विदेश में जाके हिंदुस्तान को ही बदनाम करने का। अरे भाई, लड़ना हो तो गांव में लड़ो, देश में लड़ो। बाहर क्या करते हैं मोदी साहब? बाहर अपना विकास बाहर बताता है कि भाई देखो हमारा इंडिया का, और ये भाई ऐसा बोलता है कि इंडिया में ऐसा है तैसा है, लुकड़ा है पुछड़ा है। मोदी जी पे एक आरोप लगता है पूरे विश्व में मोदी का और हमारे गुजरात का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन मोदी जब से आए हैं देश में तब से पूरे विश्व ही मोदी लहर चल रही है, और पूरे विश्व में ही हमारा देश का और समग्र विश्व में हमारे मोदी का नाम ही गुनगुना रहे हैं सब लोग। अच्छा, मोदी जी पे एक आरोप लगता है कि ये हिंदुओं का मतलब सुनते हैं, मुस्लिमों पे सितम ढा रहे हैं, ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले कि ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम रहें और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनके पास कोई काम ही नहीं है ना, तो वही करेंगे ना। इनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोई विजन नहीं है एडवांस में क्या करना है पूरे देश में, अगली साल कुछ क्या करना है, ये सब देख रहे हैं। मोदी साहब 5 साल पहले का ही प्रिपरेशन कर लेते हैं कि देश में क्या करने का है, वही मोदी हमारा ऐसे ही करता रहता है, ये सब इनका काम करते हैं। अच्छा, गुजरात में क्या ऐसा किए हैं जो आप लोग हटाना नहीं चाहते? अरे मोदी गुजरात में नहीं, पूरे देश में ही इतना सारा किया है ना, तो पूरे देश में से ही नहीं हटा दे, गुजरात तो इनका था और इनकी फर्ज थी तो किया है, लेकिन पूरे देश में इतना काम किया है कि पूरे देश वाले सब इकट्ठे होके मोदी को ही चाहते हैं। हाँ, सब लोग इनके पूछो
हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी 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 मोदी। अच्छा ये बताइए, आप योगी जी का भी मतलब वहाँ सुनती होंगी, ये बिल्डोजर बाबा के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हैं, आप इनके बारे में क्या विचार रखती हैं, वहाँ पर क्या सुनती हैं, क्या आपके मोदी जो कर रहे हैं ना, इनके बाद वो योगी जी इनके साथ ऐसा ही कर रहे हैं, इनके इसके लिए इसकी वजह से योगी का अभी नाम इतना सारा गूंज रहा है, जो बुलडोजर फिरवा दिया है वो तो सारे देश में ऐसा इतना अमेरिका वाले जो बाहर के विश्व के सभी देशों इनके भारत देश में इतना सारा काम होगा तो पूरे विश्व झुकेगा हमारे पास। अच्छा, इनको इन धर्म के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, योगी जी और मोदी जी, जो सनातन को टिका के रखने की ताकत रखते हैं। और मैं तो बोलूँ, अब पूरा गुजरात बोलेगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और पूरा विश्व बोलेगा मोदी है योगी है तो मुमकिन है। लेकिन आरोप तो लगता है कि महंगाई पे कोई काबू नहीं, इनका कोई एजेंडे नहीं है, बेरोजगारी पे कोई एजेंडे नहीं है, वही मोदी पे आरोप लगता है। आपको लग रहा है कि इन दो मुद्दों पे मोदी का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान करना आता है? जो महंगाई की बात करते हैं उन्हीं के पीछे यदि सर्वेलेंस लगाया जाए तो वो 150 रुपये का पनीर भी खाते हैं और 12 रुपये की तंदूरी रोटी भी खाते हैं, तो महंगाई कहाँ गई? भूखमरी होगी यदि महंगाई बोल रहे हैं कि भाई महंगाई है और वो भूखे रहते तो हकीकत में महंगाई होनी चाहिए, पर वो 200 रुपये की टिकट में पिक्चर देखते हैं केरला स्टोरी, ठीक है, बीबी को लेके घूमने जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो महंगाई कहाँ गई? महंगाई कुछ नहीं है, खाली एक विपक्ष का एक स्टंट है महंगाई के नाम से। बाकी जो जलसे करने हैं सब कर ही रहे हैं, राहुल जी मसाज करने बाहर जाते हैं, महंगाई कहाँ है? कांग्रेस के पैसों से, सरकार के पैसों से, टैक्स के पैसों से जा रही है। 10 साल पहले कितनी सीटें थी लोकसभा में, और ये 2014 से आप देख रहे हैं कि कितना बीजेपी की कितनी सीटें हैं, तो बस बार बार ऐसा ही होगा और सीटें बढ़ेगी और मोदी ही आएगा, कितनी भी महंगाई बढ़ेगी, कितना भी कुछ होगा, तो लेकिन हर पब्लिक मोदी ही चाहते हैं, मोदी है देने को तैयार है, पर मोदी और योगी ही चाहिए। 500 रुपये पर पेट्रोल देने को तैयार है योगी और मोदी के लिए। अच्छा एक चीज़ ये कहा जाता है कि मोदी जी जितने कंपनियां हैं सब गुजरात लेकर चले जा रहे हैं और बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला, आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी ऐसा भी कर रहे हैं? नहीं, जैसे राज्य का बड़ा जो मुख्यमंत्री होता है उसकी पॉलिसी बनाने पड़ती है, हमारे गुजरात का मुख्यमंत्री ऐसी पॉलिसी बनाता है कि हर उद्योगपति गुजरात में आता है, ऐसा योगी करते हैं, ऐसा करना चाहिए, एमपी में करना चाहिए, राजस्थान में करना चाहिए, अभी अशोक गहलोत जी नहीं कर रहे हैं, वो एमपी में ही है ना, गुजरात कहाँ है वो? एमपी में ही है ना, वो जो विकास किया है वो तो दिखता ही है ना, ये काशी में किया है, वाराणसी में जो किया है तो वो यही है ना, वो विकास ही है ना, वो कहाँ गुजरात है, वो दूसरा स्टेट तो है। अच्छा ये बताइए, वही पार्टी वाले बोलते थे कि अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, तो बोलते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मोदी जी ने ये सब सॉल्व करके ये मंदिर भी बन रहा है और अगली साल 2024 में इनका लोकार्पण भी होगा। आप तो कहते हैं कि मंदिर बनवाने से अच्छा था कि अस्पताल बनवा देते। अरे सब कुछ बनेगा, सब कुछ बनेगा, जो हमारी भारतीय संस्कृति है इनको टकाने के लिए ये भी करना जरूरी है। राम कृष्ण थे तो ये हमारा भारतीय संस्कृति भारत देश टक रहा है, और इनकी वजह से ही पहले मंदिर भी बनाना पड़ेगा और अस्पताल भी बनेगी, सब कुछ बनेगा। मोदी का इतना अयोध्या में आरोग्य के लिए मंदिर बनेगा और हॉस्पिटल भी बनेगा, बनने वाला है, उसका प्लान का विजन देखो आप अपना योगी का, तो आपको मालूम हो जाएगा, प्रश्न पूछना ही नहीं पड़ेगा, वहाँ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बनाने वाला है। शिव मंदिर नहीं बनने वाला है, वहाँ कॉलेज भी बनने वाली है, वहाँ अस्पताल बनने वाली है, सभी बनने वाला है और सबके लिए बनने वाला है, उसमें कोई इसके नाच जात नहीं है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा मंदिर पे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे, क्या आपको लग रहा है कुछ फायदा होता होगा इनका? तो उनकी पार्टी को चाहिए मतलब दिखाना चाहिए कि फायदा हुआ नहीं हुआ, हमको क्या मतलब? आपको क्या लग रहा है कि इससे आने वाले कल में उनको फायदा कुछ होगा या फिर वो नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। पार्टी को जो टूटी हुई पार्टी को पहले जोड़ ले उसके बाद में भारत जोड़े। अच्छा, जो निकल पड़े थे कारवा लेके वो टूटी पार्टी नहीं जोड़ पाए, तो वो क्या महिला सुरक्षा। अच्छा महिला सुरक्षा पे तो आप आइए थोड़ा, महिला सुरक्षा पे क्या मोदी जी काबू कर पाए हैं भारत में? इतना सारा काम कर रहे हैं इनकी वजह से, तो हम इतने सारे एरिया में हम घूम रहे हैं 12 बजे तक पूरी रात तक। उत्तर प्रदेश में जो ही पोजीशन थी
पहले उत्तर प्रदेश में जो ही पोजीशन थी, इससे तो अच्छी है कि नहीं है वो उत्तर प्रदेश वाले को दिखता है कि नहीं दिखता है, पता चलता है कि नहीं चलता। क्या पहले थी अब में क्या है? अब क्या है वो तो आप देख के ना, हम तो उत्तर प्रदेश में रहते नहीं है, हम तो गुजरात में रहते हैं, लेकिन हमने सुना था कि 8 बजे के बाद में बहन बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, एक डर था, एक गुंडा राज था जो बुलडोजर बाबा की वजह से गुंडा राज पूरा खत्म हो गया, और जो था तो आज तो वो लोग पटिया लेके निकलने लगे कि माफ करो बाबा और बचाओ, आज वो उनकी स्थिति आ गई है। वो वजह क्या थी वो यही है। ये इन पे आरोप लगता है कि ये न्याय और कानून ये सब संविधान सब ताक पे रख के अब सिर्फ एनकाउंटर करवाते हैं, ये अखिलेश जी कहते हैं यहाँ के विपक्ष, तो आपको लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं एनकाउंटर वो सही है या गलत है? कोई भी इतनी छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? नहीं नहीं, देखिए एनकाउंटर वो डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, पॉलिटिकल का इसके अंदर में कुछ नहीं होता है, ये जो एविडेंस के बेस कि ये संविधान के खिलाफ आरोप, नहीं नहीं नहीं, आरोप वगैरह जो लगते हैं उसकी बिल्कुल ये लोग जस्टिफिकेशन पे जाते हैं, और जब ऐसा लगता है तभी ही एनकाउंटर होते हैं, बाकी एनकाउंटर की यदि छूट दे दी होती तो बहुत सारी पार्टी के भी बहुत सारे बड़े बड़े सदस्य हैं जो गायब हो गए होते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।